जी आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, आई गेस ज्ञान नहीं है इसे, बट आपका व्यूज क्या है? लोग ना सुसाइड कर रहे हो ये सोच के कि अगर मेरी सुसाइड कर लूंगा मैं प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, सब मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हो हाँ जाऊंगा, बट सुसाइड करने के बाद आगे फिर क्या होता या ऐसे होता है कि लोग सुसाइड करते हैं, उसमें ना उनके रोल मॉडल्स होते हैं, स्पेशली है? बॉलीवुड, बॉलीवुड को सुसाइड कर लेगा, देखा फाइनली देखो मुक्त हो गया बंदा, यार हम भी मुक्त हो जाएंगे। सो बॉलीवुड में तो खैर रेगुलरली कोई करता रहता है, प्रवीण बॉबी हो गई, नफीसा जोसेफ हो गई, दिव्या भारती हो गई, देखिए तो इस तरह के रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं सुसाइड, क्या देखो ये लोग मुक्त हो गए मुक्त हो प्रॉब्लम गए. से, अरे मुक्त नहीं हो सकता, वो भूत होने आए स्पेशली। शास्त्रों के अनुसार समबडी कमिट सुसाइड बिफोर एज पर वंस कर्मा, कि भाई मुझे जान मानो 50 साल तक की बॉडी बनाया था, 35 की एज में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, मैंने 35 की उम्र अपनी नस काट ली, हार पे पी लिया, मरिया मैं, अब अगले 15 साल मैं कहाँ रहूँगा, मैंने शरीर तो खत्म कर लिया, एज पर कर्मा आई वॉज सपोज टू स्टे इन दिस बॉडी सेल 50, मैं 35 की उम्र में मर लिया, अगले 15 साल भी भूत की योनी में रहना पड़ता है, एंड दैट्स वेरी पेनफुल रीजनिंग। भूत की जो योनी होती है उसमें ना इट इज़ वेरी सटल बॉडी, इट्स नॉट ग्रॉस बॉडी, तो मैं कोई चीज़ ठीक से पकड़ नहीं पाता, प्यास लगती है, मैं ग्लास नहीं पकड़ सकता, तो दैट इज अ पर्सन स्टे इज थर्स्टी, तड़प के रहता तड़पता रहता है वो, सो दैट इज वेरी वेरी ड्रेडिंग थिंग। तो इसलिए आत्महत्या आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं कहूँगी अगर यहाँ फोड़ा हो जाए तो हम ये कर सकते हैं, अंगूठे में अगर फोड़ा हो गया है, एक है कि ना इसमें मैं मलहम लगा लूँ इसको ठीक करूँ, दूसरा है अंगूठा ही काट लूँ, कहते हैं अंगूठा नहीं रहेगा तो फोड़ा ही नहीं रहेगा, तो ये समझदारी है हम की बात है, नहीं. तो मेरी लाइफ में कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे, ना कि जिंदगी को खत्म करेंगे। सो दे आर पीपल हु गो फॉर वेरी सुसाइडल काइंड ऑफ सोल्यूशन, कि भाई हम मर करके सारे समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं सर वो समस्या आप ही कैरी ओवर होंगी नेक्स्ट लाइफ में, बिकॉज समस्याएं क्या क्यों आई हैं, कर्मों की वजह से, सो माई कर्मा जिंदगी कैन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लाइफ, तो आपने मर लिए अब नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करो समस्याओं को, टॉलरेट करोगे तो कर्मा खत्म हो जाएगा, सो नेक्स्ट लाइफ वुड बी ब्राइटर, सो दैट इज दैट्स वेरी इलॉजिकल और सॉल्यूशन ये कमिंग एटी टू सो। फोर लैक्स योनियों के बाद मनुष्य जीवन में होता ओह यस, कहाँ 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 जाना पड़ेगा, ओह माय गॉड रियली क्रेजी।